क्या आपको पता है कि आपके बच्चे घंटों अकेले रूम में मोबाइल में क्या करते हैं, क्या देखते हैं? क्या आपकी नज़र आपके बच्चों के मोबाइल पर रहती है हर वक्त? नहीं। अगर नहीं तो जाने अनजाने में आप अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको डरा रही हूँ तो बिल्कुल सही है। मैं आपको अपनी रिपोर्ट के ज़रिए दरअसल ये बताना चाहती हूँ कि आप भी सावधान हो जाइए कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए बेहद ख़राब है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है वो, तो मेरी इस रिपोर्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ये रिपोर्ट। कौन सा वीडियो गेम है जो आपके बच्चों की जान के साथ खेल रहा है? मैं अपनी रिपोर्ट में आपको यही बताने वाली हूं। और ये मामला है मिस्र का, जहां पर एक 12 साल के बच्चे की मौत हो जाती है और मौत की वजह होती है एक जानलेवा वीडियो गेम। दरअसल मिस्र में एक 12 साल का बच्चा घंटों वीडियो गेम खेलता है। जब उसके पेरेंट्स उसके रूम में जाते हैं तो बच्चा अचेत हालत में फ्लोर पर पाया जाता है। फ्लोर के बगल में एक मोबाइल रखा होता है जिसमें उस वक्त भी एक वीडियो गेम प्ले हो रहा होता है ऑनलाइन। जब बच्चे के पेरेंट्स उसे अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर्स का कहना होता है कि बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है, यानी बच्चे की मौत हो जाती है वजह एक वीडियो गेम। जाहिर सी बात है, अब जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा वीडियो गेम है जो आपके बच्चों के लिए ख़तरनाक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक गेम जो आपके और हमारे बीच बहुत ही फेमस है और वो है पबजी गेम, जो कि लोगों की जान के साथ किस कदर खेल रहा है इस बात का अंदाज़ा शायद आपको नहीं है, लेकिन अब हो जाएगा मेरी ये रिपोर्ट देखने के बाद। जैसे मैंने आपको मिस्र में एक लड़के के बारे में अभी जस्ट बताया, ये अपने आप में कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएँ हैं जो हमारे इंडिया में भी हुई है। मैं कुछ चुनिंदा घटनाएं आपको बताऊंगी ताकि आप भी अपने बच्चों के प्रति जागरूक हों। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूं कि मिस्र में अल अजहर फतवा सेंटर है, जिन्होंने एक चेतावनी जारी की है। सेंटर ने कहा है ये खेल आपको अपना गुलाम बना लेता है, क्योंकि हम इस खेल के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं और आखिरकार हम गुलाम बनकर रह जाते हैं इस गेम के। क्योंकि इस गेम का एक नियम है और वो नियम ये है कि जो आखिरी तक बना रहेगा वही जीत हासिल करेगा। तो इस आखिरी तक बने रहने की होड़ में लोग घंटों इस गेम को खेलते हैं, जिससे समय का अंदाज़ा नहीं हो पाता और इस गेम की गिरफ्त में वो पूरी तरह आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरे टीवी स्क्रीन पर भी वही गेम प्ले हो रहा है, पबजी गेम, जो बहुत ख़तरनाक है। सिर्फ यही गेम नहीं, ऐसे कई अनगिनत वीडियो गेम हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक है। चलिए आपको कुछ घटनाओं के बारे में मैं आपको बताती हूँ ताकि आप भी समझ सकें कि इस तरह के गेम आपके बच्चों के लिए कितने जानलेवा हैं और हो रहे हैं। अब एक मामला मैं आपको बताती हूँ 20 अप्रैल 2020 का। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था, जिसके कारण बच्चे अधिकांश समय अपने घर में ही बिता रहे हैं। और ऐसे में बच्चों का आकर्षण बना हुआ है मोबाइल, और मोबाइल में चल रहे फेमस वीडियो गेम, जिसमें से एक गेम है पबजी गेम। अब आपको बता दूं, ये जो पंजाब में जो इंसिडेंट हुआ था 20 अप्रैल 2020 में, इसमें दो विद्यार्थियों की जान ले लेता है और कारण बनता है पबजी गेम। घंटों खेलने की वजह से उनके गर्दन में ब्रेन हेमरेज हो जाता है बच्चों के, और दो विद्यार्थियों की जान चली जाती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट तेलंगाना में हुआ, जहां पर 20 साल का छात्र लगातार 45 दिन तक ये पबजी गेम खेलता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस गेम का क्रेज़ कितना है कि ये बच्चा 45 दिन तक ये पबजी गेम खेलता है, और 45 दिन में तक लगातार खेलने की वजह से उस बच्चे के गर्दन में प्रॉब्लम हो जाती है, और जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद एक इंसिडेंट हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर पबजी खेलते खेलते बच्चे ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। वो अपने सुध बुध खो के
रेलवे ट्रैक पे पबजी खेल रहे हैं और कब ट्रेन आ गई, कब उनको कुचल के चल गई, इसका पता भी उनको नहीं चल पाया। वहीं अजमेर में 16 साल का एक लड़का 26 मई की रात को 2 बजे तक पबजी खेलता है और 27 मई को सुबह उठकर लगातार 6 घंटे तक पबजी खेलता है और साथ में चिल्लाता है ब्लास्ट कर ब्लास्ट कर ब्लास्ट कर, ऐसा बोलते बोलते उसकी मौत हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए इस गेम के बढ़ते आकर्षण का। हालांकि इंडिया में ये गेम बैन हो चुका है लेकिन इसका खतरा टला नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ये एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल कर रखी है उनकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं अभी भी वर्क कर रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ पबजी गेम का ही नहीं है, ऐसे कई अनगिनत गेम हैं जिसके क्रेज में आकर बच्चे हैं अपनी जान से जाने अनजाने में हाथ धो बैठते हैं और माँ बाप को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। दरअसल आज के पेरेंट्स ज़्यादातर ये सोचते हैं अपने बिजी लाइफ में कि हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देंगे, जिसके कारण वो भी व्यस्त रहेंगे और पेरेंट्स भी अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। लेकिन ये व्यस्तता ही अपने बच्चों की जान ले लेती है। अब आप जरा समझिए इसमें मनोचिकित्सक का क्या कहना है। मनोचिकित्सक का कहना है कि इस गेम खेलने के दौरान जो है स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है और कई बार ये जानलेवा साबित हो जाता है। सिर्फ पबजी नहीं, जैसा कि मैं दोहरा रही हूँ, कई सारे ऑनलाइन गेम ऐसे हैं जो बच्चों में खेलने की उत्सुकता बढ़ाते हैं और उत्तेजना पैदा करते हैं और जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ जो ये जानलेवा गेम पबजी है, दरअसल ये है क्या। पबजी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। गेम के अंदर 100 लोग पैराशूट से एक द्वीप में उतरकर कई प्रकार के हथियारों को ढूंढकर स्वयं को बचाते हुए दूसरों को मारते हैं, जिसमें सुरक्षित क्षेत्र के गोल में रहकर ही खेलना होता है। वह भी धीरे धीरे छोटा होता जाता है ताकि जीवित खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने हो सके। जो खिलाड़ी अंत तक खड़ा रहता है वही विजयी होता है। आपने देखा गेम में अंत तक बने रहने की जो इच्छा है वही बच्चों की जान लेती है, क्योंकि अंत का मतलब होता है समय का कोई भी अंदाज़ा नहीं रह पाता है। इसमें घंटे 12 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे तक लगातार बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं और पेरेंट्स को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा रहता है। मैं आपको बताती हूँ दरअसल होता है क्या, गेम के दौरान हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि हमारी जो उत्तेजना शक्ति है वो बढ़ जाती है और बढ़ने से हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। एज पर द एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि जब हम गेम खेलते हैं तो हमें किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता और यही इसी तरीके की जो चीज़ है हमारे बॉडी में कई तरह के हार्मफुल रासायनिक चीज़ें पैदा करती हैं जो आपके मेंटल स्ट्रेस के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है और इसका सीधा असर आपके हार्ट पर पड़ता है। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि मिस्र में अभी 12 साल की बच्चे की मौत हार्ट अटैक के कारण हो जाती है। तो मेरी आप सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पर ख़ास तौर पर उस वक्त नज़र बनाए रखिए जब उनके हाथ में मोबाइल होता है। आप ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, अगर वीडियो गेम खेल रहे हैं तो वो कौन सा वीडियो गेम खेल रहे हैं, इस चीज़ की आप इंक्वायरी कीजिए। और हाँ, कोई भी वीडियो गेम खेलने से पहले अपने बच्चों के लिए एक तय सीमा निर्धारित कर लीजिए ताकि आप उन जाने अनजाने में अपने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।